नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में आज पहली चुनावी रैली को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रुद्रपुर में संबोधित करेंगे। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री अजय भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटपुतली में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भाजपा उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से राजस्थान में प्रधानमंत्री की यह पहली सभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक रैली से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कोटपुतली का दौरा किया और तैयारियों का निरीक्षण किया। वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक में चुनावी हुंकार भरेंगे। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा अमित शाह बेंगलुरु में बीजेपी और जेडीएस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में बेंगलुरु शहर के 5 निर्वाचन क्षेत्रों से लगभग 5,000 भाजपा कार्यकर्ताओं के भाग लेने की उम्मीद है। इस आयोजन का उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर नेतृत्व और संगठनात्मक ताकत को मजबूत करना है। अमित शाह भाजपा के बेंगलुरु ग्रामीण उम्मीदवार डॉक्टर सीएन मंजुनाथ के लिए प्रचार करने के लिए चन्नापटना जाएंगे। डॉक्टर सीएन मंजुनाथ का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार डीके सुरेश से है, जो उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के रामनगर में चिकमलूर से डीटी रामू सर्कल चन्नापटना तक एक रोड शो भी करेंगे, जिसमें नागरिकों के साथ संवाद भी किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के जबलपुर और शहडोल में होंगे, जहां वो चुनावी रैली करेंगे। साथ ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक कर चुनावी स्थितियों का जायजा भी लेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर में शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष और त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद शहडोल में उनकी चुनावी रैली होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने 10वीं सूची में 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। महाराष्ट्र के अकोला से अभय काशीनाथ पाटिल को टिकट दिया गया है, जबकि कादियाम काफिया वारंगल तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की 2 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आगरा सीट से सुरेश चंद कदम को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा ने मेरठ सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अब सरदना विधायक अतुल प्रधान को टिकट दिया गया है मेरठ सीट से। इससे पहले सपा ने भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र से जवाब मांगा है। वर्तमान परिस्थितियों में वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से किसी भी 5 चयनित ईवीएम का सत्यापन किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील अरुण कुमार अग्रवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यदि वीवीपैट पर्चियों का एक साथ सत्यापन किया जाता है तो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में गिनती के लिए अधिक अधिकारी तैनात करने होंगे और पूरा सत्यापन 5 से 6 घंटे में किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया कि सरकार ने 24 लाख वीवीपैट खरीदे हैं, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बावजूद इसके करीब 20,000 वीवीपैट की पर्चियां ही सत्यापित हो सकती हैं। इस मामले में याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है, जिसे 17 मई को सुनवाई के लिए तय किया जा सकता है। दिल्ली के शराब नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से पिछले दिनों राहत नहीं मिली। उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। इस मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। दिल्ली के शराब नीति मामले में आज ईडी को अदालत में जवाब देना है। 28 मार्च को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल की तारीख जवाब दाखिल करने के लिए दी थी। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल में रखा गया है, जिसके मद्देनजर तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तिहाड़ जेल और उसके आसपास काफी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर बीजेपी ने इस सत्य की जीत बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि साफ हो गया है कि दिल्ली की जनता लूटने और युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि कभी इसी रामलीला मैदान से भ्रष्टाचारियों के इस्तीफे की मांग करने वाले केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं। जिन नेताओं को कभी केजरीवाल भ्रष्टाचारी बताते थे, आज उन्हीं लोगों के साथ सत्ता के लिए गठबंधन में हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के पुराने आरोपी केजरीवाल के बचाव में सामने आ रहे हैं और सारे भ्रष्टाचारी मिलकर एक दूसरे के सपोर्ट में रैली कर रहे हैं। भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि एक समय था जब अरविंद केजरीवाल सभी चोरों के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन अफसोस कि अब सारे चोर और भ्रष्टाचारी उनको बचाने में लगे हैं। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि भाजपा का एक ही मकसद है, चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, ईडी के सभी तथ्य देखने और दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बेल खारिज कर दी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। इससे पहले वकीलों की हड़ताल के कारण इस मामले की सुनवाई टाल दी गई थी। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी। छत्तीसगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले रायपुर जिला कलेक्टर ने मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बाइक रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। प्रतिभागियों ने चुनाव में मतदान करने की शपथ भी ली। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंतरविभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव में लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इसको लेकर जींद में एक अनूठी पहल की गई। राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने हरियाणवी पगड़ी पहनकर रैली निकाली और लोगों से मतदान की अपील की। भाजपा से बेटिकट हो चुके बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आज दिल्ली में अजय निषाद कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। चैत्र अष्टमी के अवसर पर इलाहाबाद में श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। घाट पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस मौके पर स्नान के लिए जुटे। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी होली के 8 दिन के बाद शीतलाष्टमी का व्रत रखा जाता है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में डंपर और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। केरल के तिरुचिरापल्ली में त्रिची चेन्नई राजमार्ग पर बस और लॉरी के बीच हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई। वहीं इस हादसे में 10 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश में धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज लगातार 12वें दिन सर्वे का काम जारी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम आज अपने निर्धारित समय अनुसार भोजशाला पहुंची और उन्होंने सर्वे का काम शुरू किया। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नए आपराधिक कानूनों की तारीफ की है। सीजेआई ने कहा है कि नए आपराधिक कानून में वास्तविक अपराध प्रक्रिया और सबूत शामिल हैं। तीनों कानून आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सीजेआई ने कहा है कि इन कानूनों का उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को डिजिटल बनाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है और हमेशा रहेगा। कोई नाम बदलने से यह तथ्य नहीं बदल सकता। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 स्थानों को चीन द्वारा अवैध रूप से दिए गए मानकीकृत भौगोलिक नामों की कड़ी निंदा की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चीन तमाम बेबुनियाद दावे करता रहा है, लेकिन इससे जमीनी हकीकत और ऐतिहासिक तथ्य नहीं बदलेंगे। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और सभी मानकों और परिभाषाओं के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के लोग परम देशभक्त भारतीय हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना के कमांडर्स के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह 2 दिवसीय सम्मेलन का कल नई दिल्ली में शुरू हुआ था, जिसमें वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व भारतीय सेना की प्रगति और भविष्य की तैयारियों को लेकर गहन चर्चा कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के चलते देश से होने वाले रक्षा निर्यात में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% अधिक है। पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल जीएसटी संग्रह 20.14 लाख करोड़ रुपए रहा है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले इसमें 11.7% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान औसत मासिक जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष के औसत मासिक संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 8 कोर सेक्टर्स में कोयले के उत्पादन में सबसे अधिक 11.6% की वृद्धि रही। मार्च में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी से बिजली की खपत में भी पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 1.4% की बढ़ोतरी रही। बिजली मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष मार्च में 129.89 अरब यूनिट बिजली की खपत रही है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने जारी की नई गाइडलाइंस। फ्लाइट में बोर्डिंग के बाद लंबे समय तक उड़ान नहीं भरने की स्थिति में यात्री निकल सकेंगे बाहर। BCAAS के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने कहा कि नए दिशा निर्देश 30 मार्च को एयरलाइंस और एयरपोर्ट संचालकों के लिए जारी किए गए थे, जो अब हो चुके हैं लागू। विमानन कंपनी विस्तारा पायलटों की कमी के कारण अपनी उड़ानों को अस्थायी रूप से करेगी कम। वेतन संशोधन के विरोध में मेडिकल लीव पर हैं कई प्रथम अधिकारी। विस्तारा के एक प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में चालक दल की कमी सहित विभिन्न कारणों से एयरलाइन को बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ी और कई मामलों में हुई देरी। RBI ने कहा कि करीब 97.69% 2000 के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। अब सिर्फ 8,202 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट लोगों के पास है। RBI ने कहा कि 2000 रुपए का बैंक नोट लीगल करेंसी बना हुआ है। लोग देश भर में RBI के 19 कार्यालयों में नोट को बदलने या उनके बैंक खातों में उतनी ही राशि जमा करने का विकल्प किया गया है प्रदान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने यूरोपीय संघ और G7 देशों के बिना तराशे रूसी हीरो के आयात पर प्रतिबंध के मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाया। इससे मुख्य रूप से गुजरात के सूरत शहर में केंद्रित घरेलू हीरा उद्योग प्रभावित। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जानें फटाफट अंदाज में। तीसरे देशों के माध्यम से रूसी हीरो के आयात पर यूरोपीय संघ और G7 का प्रतिबंध का प्रारंभिक चरण मार्च की शुरुआत में हुआ लागू। यह कदम यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में उस पर लगाई गई पाबंदियों का है हिस्सा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD ने कहा कि उसने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान झारखंड को विकास सहायता के तहत 6,200 करोड़ रुपए किए प्रदान। NABARD ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान झारखंड में RFI ने 105 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त राशि का लाभ उठाया। इसमें 40 गुना से अधिक की वृद्धि हुई और 2023-24 में RFI ने 4081 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त राशि का उठाया लाभ। समस्याओं में घिरी शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि एक बार फिर वेतन वितरण में होगा विलंब। बायजू ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कहा कि कुछ विदेशी निवेशकों ने फरवरी के आखिर में एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया है, जिसने सफल राइट्स इशू के माध्यम से जुटाए गए धन के इस्तेमाल को लेकर कर दिया है प्रतिबंधित। भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 42 लाख इकाई से रही अधिक। इस दौरान स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों की बिक्री में देखा गया जोरदार उछाल। मारुति सुजुकी इंडिया, हुंडई मोटर इंडिया और टाटा मोटर्स सहित कार कंपनियों की रिकॉर्ड बिक्री के कारण पिछले वित्त वर्ष में विनिर्माताओं ने डीलर्स तक कुल 42.3 लाख वाहन भेजे। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2022-23 के 38.9 लाख इकाई के मुकाबले 9% अधिक है। उत्तरी जापान के इवाते और आओमोरी प्रांत में आज भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत का उत्तरी तटीय हिस्सा था। भूकंप से अभी किसी नुकसान की खबर नहीं और सुनामी की चेतावनी भी जारी नहीं की गई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश में समाचार चैनल अल जजीरा के प्रसारण पर रोक लगाई। संसद द्वारा कल एक कानून पारित करने के बाद नेतन्याहू ने आतंकी चैनल को बंद करने का जताया संकल्प।
कानून पारित होने के बाद सरकार के लिए अल जजीरा का इजराइल में प्रसारण रोकने का रास्ता साफ। नेतन्याहू ने अल जजीरा पर इजरायली सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, 7 अक्टूबर के हमास हमले में भाग लेने और इजराइल के खिलाफ हिंसा भड़काने का लगाया आरोप। नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट किया कि आतंकी चैनल अल जजीरा अब इजराइल में प्रसारित नहीं होगा। चैनल की गतिविधियों को रोकने के लिए नए कानून के तहत तुरंत कार्रवाई करना मेरा संकल्प है। सीरिया में कल लगातार हुए हवाई हमलों में दमिश्क में ईरानी दूतावास के कंसुलर प्रभाग को पहुंचा नुकसान। सीरिया के अधिकारियों और सरकारी मीडिया ने इजराइल पर इन हमलों का आरोप लगाया है। सीरिया के अधिकारियों ने कहा है कि हवाई हमले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार जनरल अली रजा जदी की हुई मौत। अली रजा ने 2016 तक लेबनान और सीरिया में कुछ सैन्य बल का किया था नेतृत्व। सीरिया में ईरान के राजदूत हुसैन अकबरी ने कहा कि हवाई हमले में जहदी के मातहत जनरल मोहम्मद हादी हजरिया हिमी और 5 अन्य अधिकारी समेत 7 लोग मारे गए हैं। उन्होंने हमले का बदला लेने का लिया प्रण। दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने आज पूर्वी तट की ओर दागी एक बैलिस्टिक मिसाइल। जापान के तटरक्षक बल ने कहा कि ये मिसाइल समुद्र में गिरी। रूस और उत्तर कोरिया के बीच नजदीकी सैन्य संबंध बढ़ने की चिंताओं के बीच अमेरिका और इसके प्रमुख एशियाई सहयोगी। इटली के वेल कैमोनिका के इडोला शहर में चक्रवाती बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति हुई पैदा। इलाके से कम 15 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इडोलो शहर में सड़कों पर जल जमाव की स्थिति और इमारतों की सीढ़ियों पर कीचड़युक्त पानी बहता देखा जा सकता है। राहत और बचाव कर्मी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के काम में जुटे हैं। अमेरिका के बाल्टीमोर में पिछले हफ्ते में ढहे पुल के उत्तर पूर्व की ओर एक अस्थायी चैनल को कल खोल दिया गया। इस चैनल से जहाज यातायात को आपदा स्थल पर फंसे कंटेनर जहाज के आसपास जाने में मिल रही है मदद। अस्थायी चैनल के खुलने से सहायता अभियान को तेज करने में मिल रही है मदद। मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने कहा कि रिकवरी टीमें दूसरा अस्थायी चैनल खोलने पर कर रही है काम। पाकिस्तान में आत्मघाती बम हमले में मारे गए चीन के 5 कर्मियों के शवों को एक विशेष पाकिस्तानी सैन्य विमान से वुहान लाया गया। चीन ने आतंकियों के हमले बढ़ने के मद्देनजर सीपीसी परियोजनाओं में कार्यरत अपने सैकड़ों श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उपाय बढ़ाने की योजना बनाई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उच्च न्यायालय ने दी बड़ी राहत। भ्रष्टाचार मामले में उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई 14 साल की सजा निलंबित। अमेरिका से निकाले गए 368 प्रवासियों को लेकर 3 विमान ग्वाटेमाला सिटी पहुंचे। इन प्रवासियों में से ज्यादातर को अमेरिका मैक्सिको सीमा पर पकड़ा गया था। ग्वाटेमाला के अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका से और विमान प्रवासियों को लेकर आने वाले हैं। फ्रांस में होने वाले ओलंपिक खेलों को देखते हुए सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पेरिस ओलंपिक के मद्देनजर फ्रांस में सुरक्षा व्यवस्था को उच्चतम स्तर तक बढ़ाने का लिया गया है फैसला। रूस के मॉस्को में हाल में हुए हमले के बाद से फ्रांस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने का फैसला लिया है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। अपने पिछले मैच में लखनऊ ने पंजाब किंग्स को मात दी थी, वहीं आरसीबी को पिछले मैच में कोलकाता के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। ये मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरी हार है, वहीं राजस्थान की लगातार तीसरी जीत है। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज रियान पराग ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में अर्धशतक लगाया। इस पारी के साथ ही 22 साल के रियान पराग ने विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट पर श्रीलंका की पकड़ मजबूत। बांग्लादेश को पहली पारी में 178 रन पर समेट कर हासिल की विशाल बढ़त। भारत के मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी को वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी लगातार 3 WTT फीडर सीरीज के फाइनल में पहुंच चुकी है। नई दिल्ली में आयोजित हुई 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब महाराष्ट्र की टीम ने किया अपने नाम। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में जीता खिताब। टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थीम ने 2024 में ATP टूर पर अपनी पहली जीत दर्ज की। थीम ने एस्टोरियल ओपन के पहले दौर में 3 सेट तक चले मुकाबले में मैक्सिमिलियन मर्टर को हराया।
पूर्व विश्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी कैरोलिन बोजनियाकी ने चार्ल्सटन ओपन के पहले दौर में जीत दर्ज की। बोजनियाकी ने मैककार्टनी कैसलर को हराया। यानिक सिनर ने कहा कि वे 2024 के सीजन में शानदार शुरुआत के हर पल का आनंद ले रहे हैं। सिनर ने रविवार को ही मायामी ओपन के रूप में इस साल का अपना तीसरा खिताब जीता था। जर्मनी के फुटबॉल एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि जर्मनी की राष्ट्रीय टीम की नई जर्सी के डिजाइन को बदला जाएगा। जर्सी पर छपे 44 नंबर के डिजाइन को लेकर विवाद देखने को मिला था। सऊदी प्रो लीग में मेजबान अल अहली ने अल इतिहाद को 1-0 से मात दी। इस जीत के साथ अल अहली लीग में तीसरे स्थान पर आ गए। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल क्लब ने दर्ज की लगातार 30वीं जीत। अल शबाब को 4-3 से हराया। एफए वुमेन्स लीग कप के फाइनल में आर्सेनल ने चेल्सी को 1-0 से हराया। आर्सेनल ने खिताब को रखा बरकरार। पेरिस 2024 के लिए ओलंपिक सेलिंग क्लासेस ने सोमवार से वे ऑफ पाल्मा में रेसिंग की शुरुआत की। शनिवार तक चलने वाली रेस में 75 देशों के 800 से ज्यादा बोट और 1100 सेलर हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका की फॉर्मूला वन कंपनी लिबर्टी मीडिया ने मोटोजीपी की पैरेंट कंपनी डोर्ना मोटोजीपी के टेक ओवर का ऐलान किया। लिबर्टी मीडिया डोर्ना ने 86% की हिस्सेदारी खरीदेगा। साउथ डायरेक्टर एसएस राजामौली का उनकी वाइफ के साथ एक वीडियो सामने आया जिसमें कपल स्टेज पर डांस करते नजर आ रहे हैं। बीते शनिवार को मुंबई स्थित अनिल कपूर के घर के बाहर डायरेक्टर एस एस शंकर को स्पॉट किया गया। दोनों की यह बातचीत लंबी चली है। अमिताभ ने हाल ही में एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें अमिताभ हवा में नजर आ रहे हैं। 14 साल बाद दिबाकर लेकर आ रहे हैं LSD 2। फिल्म का टीजर भी सामने आ गया है। फिल्म LSD 2 19 अप्रैल को थिएटर्स में होगी रिलीज। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने हाल ही में अपने हेयर स्टाइल में चेंज किया है जिससे एक्टर का लुक बदल गया है। साल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान के बाद शाहरुख खान जल्द ही पठान 2 लेकर आने वाले हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म गॉडज़िला कॉन्ग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। रिलीज के तीसरे दिन ही यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।